जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। जब आप कभी भी लक्ष्मी नारायण की महिमा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस घर में नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी माता उस घर को कभी नहीं छोड़ती। वर्णन है कि मनुष्य को चाहिए कि घर में शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करें, क्योंकि नारायण की जितने भी रूप हैं वो सब रूप शालिग्राम में विराजमान है। कुछ लोग विरोध करते हैं कि नारी को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो या तो जो विरोध करते हैं शालिग्राम भगवान की पूजा का, या तो उनकी बात मान लो या फिर शास्त्र का विश्वास कर लो, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो हम बना चुके हैं कि शालिग्राम भगवान की पूजा करने का अधिकार हर नारी को है। कौन सी पुराण में ऐसा वर्णित है ये भी बता चुके हैं, क्योंकि मेरी हर बातें शास्त्रीय बात ही हैं। नारी शालिग्राम भगवान की पूजा की अधिकारिणी है, पक्का पक्का पक्का। तो फिर कौन सी स्त्री नहीं है शालिग्राम भगवान की पूजा की अधिकारिणी? तो जिस स्त्री ने अपने पति को विष देकर मार डाला हो, या पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ चली गई हो, या जो व्यभिचारिणी हो, उसने अपना धर्म कर्म उतार दिया हो, पराए पुरुष के साथ रहती हो, ऐसी स्त्री भगवान शालिग्राम की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। लक्ष्मी नारायण की महिमा कहती है कि भले ही 25 आरतियां आरती हो मनुष्य को, लेकिन जो आपने अपना मंदिर बनाया है उसमें ओम जय जगदीश हरे ये आरती जरूर करनी चाहिए। आप रोजाना सभी देवी देवताओं की आरती नहीं कर पाते हैं, तो मात्र ओम जय जगदीश हरे आरती करने मात्र से ही सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव।